हेलो एवरीवन, मनी रिक्वायर्ड टू रन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन नो इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. डू यू एग्री विद मी? ओके, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज सीमा शर्मा. टुडेज अवर टॉपिक इज लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. The financial institution which have been set up by the central as well as the state governments. These organizations provide medium term and long term loans to the business sector. So we are studying about loans from financial institution. What are the basic financial institutions in India, or how can we provide loans from financial institution? What are the features of basically loans from financial institution? Okay, we are studying about these all topics today. So let's start. Public finance institution are referred as lending institution. इनको क्या बोलते हैं? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं. अच्छा, मेन बात क्या है? ये बोरोड फंड में हैं बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं. और कौन से टर्म का फाइनेंस देते हैं? लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. ये किसके लिए है? लॉन्ग टर्म के लिए. सो दैट आप नोटिफाइड करेंगे, इन चीज़ को नोट करके रखेंगे कि ये बोरोड फंड है और लॉन्ग टर्म के लिए है. डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट अब that for economic development of a country only commercial banks are not sufficient. enough नहीं है, क्योंकि मैंने आपको last video में ही clear किया था कि commercial banks are provide loans for short term period and medium term period. but business को किसकी requirement होती है? long term funds की requirement होती है. तो ये requirement कैसे पूरी की जाए? तो after independence government of India ने ये सोचा कि economic development के लिए कुछ ऐसे institutions के requirement है जो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाए. तब जाकर उन्होंने इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने की सोची. देयर मस्ट बी मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज. द नीड फॉर पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वॉज फेल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. क्या क्या रीज़न रहे कि जिसकी वजह से ये लगा कि हाँ, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग से होने चाहिए? वो बिकॉज कॉमर्शियल बैंक इन सबकी नीड को सफिशेंटली पूरा नहीं कर पाते हैं. सो दैट ये रिक्वायरमेंट हुई कि क्यों ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग से हो जो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी डेवलप करने के लिए स्टार्ट किए जाए. तो इनके फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं. फर्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ये जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस सो दैट बिजनेस इजीली लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्निंग कर सकता है, अपने ऑपरेशंस को रन कर सकता है. नेक्स्ट, मैनेजेरियल एडवाइस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफ़ी एक्सपर्ट एडवाइस भी देते हैं. जिनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं उनको वो लोन को यूज़ करने यानी फंड्स को यूज़ करने से रिलेटेड असिस्टेंस भी देते हैं. मार्केट की असिस्टेंस देना या कैपिटल कैसे फंड इन्वेस्ट करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कौन कौन सी असेट्स अरेंज करनी है, किस तरीके से करनी है, इन बातों से रिलेटेड वो एडवाइस भी करते हैं, असिस्टेंस भी देते हैं, हेल्प भी देते हैं. तो मैनेजेरियल एडवाइस भी दी जा सकती है उनके थ्रू. तो एक और हेल्प मिलती है इससे कि वो लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ साथ एडवाइस भी प्रोवाइड करवाते हैं कि हम अपने फंड्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं इजीली. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. और दूसरी मेन बात क्या है कि इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी रीजनेबल होती है बिकॉज इनका मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना होता है. क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
स्टार्ट ही इसलिए किए थे, एस्टेब्लिश ही इसलिए किए थे कि वो अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सके और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। इसीलिए जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बेटा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स ईजिली प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके साथ साथ ये इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो भी काफ़ी रीजनेबल होती है, कम होती है अगर कंपेयर करें किससे, कॉमर्शियल बैंक से, तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट इनकी कम होती है। नेक्स्ट देखो सब्सक्राइब ऑफ सिक्योरिटीज़, हम सिक्योरिटीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं। देखिए जितने भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, इनको सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो ये जो इनका ग्रुप होता है उसको सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इन सिक्योरिटीज़ को इशू करके जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्ग टर्म फंड अरेंज करती है। अगर मार्केट में इनके शेयर्स नहीं सेल हो पाते हैं या वो चाहते हैं कि कुछ और करके हम फंड्स इकट्ठा कर सकें, तो इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं और उनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेते हैं, यानी सब्सक्राइब कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी, और इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड मिल जाता है इजीली। अगर वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो लाइफ टाइम फंड कंपनी के पास आ जाता है, और डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, यानी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। Underwriters, financial institution underwrite the public issue of shares and debentures by the company. जनरली ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये एज अ अंडरराइटर भी वर्क करते हैं, यानी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल करवाने में भी हेल्प करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को मार्केट में सेल करवाने का प्रॉमिस करते हैं और अंडरराइटर का वर्क करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में अंडरराइटर्स के बारे में स्टडी की थी कि द पर्सन वो इस बात का प्रॉमिस करता है कि वो इतने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को सेल करवा देगा, और अगर वो नहीं सेल करवा पाता तो वो बाकी के जो बची हुई सिक्योरिटीज़ होती है वो उसे खुद परचेज करनी होती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर ये शेयर्स और डिबेंचर्स को यानी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करते हैं और अगर नहीं सेल हो पाते वो मार्केट में, तो ये उसे खुद बाय कर लेते हैं, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल अरेंज हो जाती है। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन गारंटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये गारंटी भी देने का काम करते हैं ताकि आपको बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से भी लोन इजीली प्रोवाइड हो सके। तो गारंटी लोन प्रोवाइड करवाने में भी आपको हेल्प करते हैं। लोन इन फॉरेन करेंसी, अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सो दैट आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बेटा फॉरेन करेंसी की, और वो फॉरेन करेंसी अरेंज करने में भी कौन हेल्प करेगा आपका, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी टू इम्पोर्ट मशीनरी, दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड गारंटी फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स असेट, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग है, इस तरीके की चीज़ों को परचेज करने के लिए जनरली फॉरेन कंट्रीज से हम क्या मंगाते हैं, मशीनरीज मंगाते हैं। तो ये परचेज करने के लिए भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स थे, ये इसके बेसिकली फीचर्स थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस किस तरीके के फीचर्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाता है। लॉन्ग टर्म है, एडवाइस भी देता है कि कैसे हमें अपने फंड्स को यूज़ करना है, मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के फंड्स अवेलेबल कराता है, आपकी सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, सब्सक्राइब करता है सो दैट आपको सिक्योरिटीज़ के थ्रू भी लोन प्रोवाइड हो जाता है, अंडरराइटर के रूप में भी वर्क करता है कि एज अ अंडरराइटर आपकी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल करवाने का प्रॉमिस करता है, आपको कॉमर्शियल बैंक से गारंटी लोन भी प्रोवाइड करवाता है, और आपको फॉरेन करेंसी अरेंज कराने में यानी लोन फॉरेन करेंसी में देने में भी हेल्प करता है। अब देखिए कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में स्पेशली हैं। द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फाइनेंशियल फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है या फैसिलिटी देता है। सेकंड, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे RFC है हमारे यहाँ पे, कौन काम करता है? RFC काम करता है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से हर स्टेट के अपने अपने SFCs होते हैं, और राजस्थान में कौन सा है? RFC है। सी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICICI, ओके, ये भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बिजनेस सेक्टर को, बिजनेस यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप बिजनेस लोन ईजीली ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं IDBI, IDBI भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन अवेलेबल कराता है, ओके। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, ये भी लोन प्रोवाइड करवाता है किसको? बिजनेस सेक्टर को। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, ओके, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है, ये भी लोन प्रोवाइड करवाती है बिजनेस सेक्टर को, और लॉन्ग टर्म फंड देकर इनकी थ्रू कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी पे डिपेंड करता है। सो दैट गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रखे हैं जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं। सो दैट हमने आज स्टडी किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट आर द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ओके। अगर आपको कोई भी अभी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।